मॉर्निंग हो चुका है, ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी किया, पानी वानी दिया और सुबह मेरा होता है थायराइड से, अक्सर भूल जाती हूँ। अभी इधर ही रखी हूँ, जहाँ मतलब किचन काउंटर है उधर ही रखती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। और टैबलेट के साथ मेरा दिन शुरू हो जाता है, टैबलेट से मेरा दिन खत्म होता है। तो चलो टैबलेट से ही शुरू करते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग रिजो की सिंपल लाइफ में आप सभी के स्वागत है। पता नहीं क्या बनाऊंगी, देखते रहिए और एक लाइक तो ज़रूर कीजिए, बिना स्किप किए जितना भी देखो बिना स्किप किए देख लेना। दो मिनट भी अगर आपको देखना है तो बिना स्किप किए जो पहले का वही देख लीजिए आप लोगों के, बट स्किप मत कीजिए। तो चलो देखते जाइए, मैं भी पटाफट ब्रश वगैरह करती हूँ। हर्षिता देखो पीछे 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 मेरे उधर बैठी थी, तो बोल रहा था आ जाओ मम्मी। तो चलो देखते रहिए क्या होता है क्या नहीं होता। साढ़े दस बजे ये तो सब खिलाने के लिए बैठा था। साढ़े दस से 12:45 तक तू सा सिर्फ खाया नान, नहला लाने गई, कान का एक खो दिया, पता नहीं कहाँ है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कौन सी जन्म का मुझे अभिशाप मिला है। पागल बना के रखे गए दुनिया में ना, हर एक दुख दर्द टॉर्चर सहन कर सकते, लेकिन बच्चे का टॉर्चर मुझसे इम्पॉसिबल। झाड़ू मारा बाथरूम को, झाड़ू मारा पता नहीं नहीं रहा। एक महीने में 2 सोना, 2 बार 3 सोना खो, चेन और अस्पताल की चक्कर ख़त्म ही नहीं हुआ है, फिर और एक शुरू हो गया है। मुझे मालूम नहीं पर मैं कैसे रिएक्ट करूँ कैसे नहीं रिएक्ट करूँ, एक के बाद एक पता नहीं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। थोड़ा सा जस्ट मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई हूँ, बार बार एक ही टाइम एक ही महीने में कितना सब कुछ। इस महीने लोगों के त्यौहार के दिन मतलब खुशियाँ आते हैं और मेरा तो एक के बाद एक मुसीबत और ये सब पता नहीं। बहुत गुस्सा हो गई थी हर्षिता के ऊपर, बहुत मारा भी था। सोना किधर है? फिर सोचा इसके सोना किधर है, नहीं है सोना किधर है, नो सोना फॉर यू। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, पता नहीं सबसे कैसे डील करूँ। नहीं नहीं कैमरा के सामने आने की हिम्मत नहीं हुई थी आज। सारा गुस्सा हर्षिता पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा, उसको बहुत डांट मिली, उसको मार भी खाए, अच्छा भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था पूरा मातम मातम सब बन गया है। कभी भी उसके पापा भी आज पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं किया, घर से भी बाहर नहीं गया, मूड ऑफ सारा मूड ऑफ, एक ही महीने में दो ऊपर से अस्पताल के, पता नहीं क्या बोलो, बोलने के मूड में नहीं हूँ। चलो देखते क्या होता है क्या नहीं होता है, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।